कंडक्टर भर्ती पेपर लीक मामला लगातार गरमाता जा रहा है। मामले को लेकर जहां विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भाजपा के पदाधिकारी व नेता सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार ने भी अपना बयान जारी किया है। परमार ने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करवा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। राजस्व मंत्री थे जयराम जी, आपको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जब मैं राजस्व मंत्री था तो ये बीमारी पैदा ही नहीं होने दी थी, ये बीमारी पैदा ही आपके राज में हुई है और इसका इलाज उस समय का राजस्व मंत्री कर रहा है। पता है, हमने सारा स्टडी कर लिया। केंद्र सरकार ने जो पर्यावरण के बारे में नोटिफिकेशन जारी की है, जिसका हवाला देके ये कहते हैं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, किसी ने कुछ नहीं रोका है। उन्होंने कहा है राज्य सरकारें पक्षियों को बचाने के लिए भी और वहां के प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भी एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी को राइट दिया गया है कि वहां के प्रभावित लोगों से मिलें और उनका क्या क्या किया जा सकता है, अनाज कैसे पैदा करना है, उनको जमीन कैसे देनी है, वो सारा रूल बनाएं और उस रूल को इम्प्लीमेंट करने की पावर राज्य सरकारों को दी है। उत्तराखंड ने वो कर लिया है, केरल ने कर लिया है, हिमाचल सरकार भी करे। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और हमने मुख्यमंत्री को उनके कार्यालय में जाके पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया है। और मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी अगर आपको समझ नहीं आई तो जिस दिन आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाएं और जिस दिन आप ला के डिपार्टमेंट को बुलाएं उस दिन हमें भी बुलाएं, धैर्य शांत को बुलाएं, हम उनको कन्विंस करेंगे। ना मुख्यमंत्री में ये जरूरत है कि हमको बुलाएं और ना मुख्यमंत्री में इतना नॉलेज है कि वो खुद समझ पाए, ये दिक्कत हो रही है आज हमें। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।